अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर मैंने मोबाइल ले लिया है, कौन सा लिया है आप ये जज करें। और आपको मैं इसका पूरा रिव्यू दिखाता हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग भी करता हूँ। मोबाइल मैं लेके आ गया हूँ, आखिर मैंने कौन सा मोबाइल लिया है ये आप लोग जज करें। और मैंने लिया है ये मोबाइल, नज़र आ रहा है, तो मैं इसकी करता हूँ अनबॉक्सिंग आपके सामने। ये वैसे मैंने उधर पहले खोला है, चेक किया था ना कि यार कोई चीज़ टूटी हुई ना हो। तो अभी इसको देखता हूँ, खुल जा सेम सेम टेक्नो कैमन 20 प्रो, प्राइस इसकी नहीं बताता। ओ, शश के बड़े हैं इसके। ये इसके स्पेक्स हैं जी, कैमन 20 प्रो, 64 मेगापिक्सल इसका एक कैमरा है बैक का, 120 हर्ट्ज़ जो है एमोलेड इसका डिस्प्ले है, 6.7 इंच यानी कि बड़ा है ये। और हेलो जी इसका 99 G9 99, ये इसका प्रोसेसर है, 32 मेगापिक्सल इसका फ्रंट है, 8+8 GB एक्सटेंड रैम है, ये 8 GB रैम है और 8 GB जो इसकी रोम है, और 256 GB इसकी रोम है, सॉरी 256 GB इसकी रोम है, 8+8 है। ये है जी हमारे पास टेक्नो C20 Pro। पहले तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें डब्बे में और क्या क्या चीज़ें हैं, ये इन्होंने इसका कवर दिया है, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने एक चार्जर दिया है, और जो चार्जर है ये कितने वाट का है जी, ये है जी 33 वाट, ठीक है। ये इसका चार्जर आ गया, और इसमें क्या चीज़ें हैं जी, ये इसकी लीड है चार्जिंग वाली, और हैंड फ्री इन्होंने नहीं दिए। तो ये टेक्नो के अंदर जो अनबॉक्सिंग हमने की है ये वो है। अब मैं इसको इससे निकालता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। प्राइस अभी मैं नहीं बताता, ये आज ही मैंने ख़रीदा है, अभी घर लेके पहुँचाऊँ। ये है इसका बैग, क्या मज़े का बैग है। और अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सैमसंग A20S से। आज के बाद जो वीडियोस आएंगी वो इस पे आएंगी। अभी मैं इसकी भी वीडियो का आपको नज़ारा कराता हूँ। तो इसको करता हूँ मैं ऑन, और ऑन करते ही पहले पहले तो मैं इसका कैमरा देखता हूँ। ये इसका है बैक कैमरा। अब इसको मैं 64 मेगापिक्सल पे क्लिक करता हूँ तो ये 64 मेगापिक्सल आ गया, ठीक है जी। ये इसका बैक आ गया, अब चेक करें फर्क आ रहा है। इसे आगे जितनी वीडियोस चलेंगी वो आएंगी टेक्नो कैमन 20 प्रो, ये वाला मोबाइल है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे तो जो शशके इसके मज़े के आ रहे हैं, पता नहीं आपको ये इसका शशक है फ्रंट का जो मैं आपको दिखा दूं, फ्रंट ये अब मैंने इसका फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है। चलो अगली वीडियो इस पे देखें। अब दोस्तों मैंने ये मोबाइल लिया है, ये अभी जो है आपको इसी मोबाइल की वीडियो बन रही है। पहले मेरे पास था ये, अब इसके ऊपर देखें टेपे लगी हुई हैं, बड़ा मैंने इसको इस्तेमाल किया था, सैमसंग A20S। कम अज़ कम मेरे ख्याल में मेरे पास ये 6-7 साल मोबाइल चला है, ठीक है। अभी मेरे पास ये है, ये जो अभी वीडियो बन रही है वो इसी मोबाइल से बन रही है। दोस्तों ये इसका है फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, ये इसकी वीडियो आ रही है। और मैं अभी बैठा हूँ कमरे में, बाहर नहीं है, यानी कि कोई लाइट वगैरह कोई चीज़ नहीं ऑन, ठीक है। और कमरे से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब इसकी ना मैं बाहर की आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। ये दोस्तों इसका आउटडोर रिज़ल्ट है, अभी सूरज जो है वो बिल्कुल मेरे यानी अभी चेहरे पे आया है,
ठीक है, अभी सूरज के उल्ट सिमत में चलता हूँ, अभी सूरज मेरे बैक पे चला गया है, ठीक है। और बैक ग्रीनरी ये सारी आ रही है, ये इसका फ्रंट 32 मेगापिक्सल जो कैमरा इन्होंने दिया है उसमें ये चीज़ है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है रिज़ल्ट। बाकी आप लोगों ने वीडियो में बताना है, ये है कैमन टेक्नो कैमन 20 प्रो, उसका ये रिज़ल्ट है। अभी दोस्तों मैंने इसका बैक कैमरा ऑन किया है, ये जो हमारे बैक पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ये वो एरिया है, ग्रीनरी है, मुख्तलिफ कलर हैं, ठीक है। तो ये कलर कैसे कैप्चर कर रहा है ये चीज़ आपने नोट करनी होती है कि जो वीडियो बने उसमें कलर के क्या वो इन्हेंसिंग आ रही है। अब इसी के अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसकी, अब इसमें आप देखेंगे ये कलर हैं, ठीक है। ये अभी भी इसको साया सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये ब्लू कलर जो है वो भी बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। असल जो कोई भी कैमरा लेते हैं ना उसमें कलर का होता है भाई, कलर जो ओरिजिनल कलर है वो आना चाहिए ना, तो कुछ कैमरे हैं जो कलर को चेंज कर देते हैं तो वो फिर मज़ा नहीं आता। ये इसका बैक 64 मेगापिक्सल जो कैमरा है ये उसका। ये अभी मैं इनडोर कमरे में आया हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरी लाइटें बिल्कुल ऑफ हैं, वो लाइट बंद है सारा यानी के। और ये इसका इनडोर रिज़ल्ट है, फ्रंट कैमरा जो इन्होंने कैमरा दिया है 32 मेगापिक्सल, ये उसका इनडोर यानी कि कमरे में कोई लाइट भी ऑन नहीं है, तो ये उस वक्त की वीडियो है। दोस्तों इसका वही बैक कैमरा मैं चेक करने लगा हूँ, अभी मैं चढ़ रहा हूँ सीढ़ियाँ अपनी, ठीक है। और सीढ़ियों से जो है फिर आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ पूरे इस्लामाबाद का। ये इसका वही जो 64 मेगापिक्सल कैमरा है ना ये उसका है रिज़ल्ट सारा, तो ये आपको नज़र आएगा जहाँ पे मेरी रिहाइश है, अभी मैं टॉप छत पे आ गया हूँ। और इस वक्त जो है ये यानी कि सूरज इसके अपोज़िट है, अभी मैं इसको जो लेके जाऊंगा सूरज बिल्कुल इसके सामने आएगा, ये यहाँ पे सूरज है इस वक्त। तो फ़िलहाल तो मुझे ये मज़ा कर रहा है कि इसका रिज़ल्ट अच्छे दे रहा है, बाकी देखता हूँ क्या होता है। ये 64 मेगापिक्सल का यानी कि बैक, अभी मैं छत पे जो इसकी रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, ठीक है। अभी इस वक्त जो सूरज खड़ा है वो मेरी पीठ के पीछे है और उसकी यानी रोशनी जो पड़ रही है ये मोबाइल की स्क्रीन पे, और फिर भी ये अच्छी कैप्चरिंग कर रहा है। अक्सर कैमरे यहाँ पर ना धुंधला जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, वो चक्कर चलता है। और अभी मैंने सूरज की तरफ मूव किया है, ये अभी सूरज जो है वो सीधा मेरे चेहरे पे लग रहा है और मोबाइल जो है यानी जिस साइड पे मोबाइल है उसकी बैक साइड पे सूरज है, तो ये इस तरह के रिज़ल्ट कैप्चर करता है। मेरे हिसाब में तो ये बहुत ही अच्छा कैमरा है, इसमें कैमरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बाकी अभी मैंने नया लिया है ना तो मैं मुझे इसके फ़ीचर की उतनी समझ नहीं है, इसको मैं अभी चेक करूँगा, तो आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट जो जितने भी मिस्टर नाव के व्लॉग हैं वो इंशाल्लाह इसी कैमरे के साथ शूट होंगे और इसी कैमरे पे के साथ आएंगे। तो चैनल को दोस्तों आपने लाइक भी करना है, उसके बाद सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो आपकी तरफ आएंगी।